Assalamualaikum everyone, this is Ahmad and you are watching Technical Ahmad. तो यार आज हम लोग एक ऐसे मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पंच होल कैमरा के साथ आता है. और मैंने अपनी पिछली वीडियो में जब मैंने मोबाइल का रिव्यू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अगले दो मोबाइल्स के ऊपर मैं रिव्यू करूंगा वो भी पंच होल कैमरा सेटअप के साथ आएंगे और काफ़ी अच्छे मोबाइल होंगे और वो भी मिड रेंज या लो रेंज के टाइप पर आएंगे. अब आज हम लोग इस मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम टेक्नो कैमोन 12 वेयर है. इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा और आपने देखा भी होगा मेरा मोबाइल, तो मैं साइट पर पिक्चर्स लगा दूंगा, आप वहाँ पर इस मोबाइल को देख सकते हैं. और आज हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस और इसके लुक के बारे में बात करेंगे और ये क्या अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, और इसने जो पंच होल कैमरा दिया है वो कितने मेगापिक्सल का, उसके बारे में बात करेंगे. तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होने वाली है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिएगा. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो यार इसकी स्पेसिफिकेशन में आपको इसका पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि 8 मेगापिक्सल का है. अब यहाँ पर टेक्नो ने काफ़ी कम्प्रोमाइज किया है क्योंकि यार ये, अब मैं आपको पहले ये बता दूँ कि इसका जो प्राइस टैग है वो 20,000 और उसमें पंच होल कैमरा तो दे रहे हैं लेकिन वो 8 मेगापिक्सल का है. तो इनको या तो 16 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल का ये कैमरा देना चाहिए था. अगर 16 तक का भी नहीं तो 13 मेगापिक्सल का देना ही चाहिए था क्योंकि 8 मेगापिक्सल का काफ़ी लो क्वालिटी का कैमरा हो गया है और काफ़ी कंपनी तब 16 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल का ही कैमरा दे रही हैं. लेकिन इन्होंने ये काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया है जो इन्होंने इतनी कम प्राइस में 20,000 के प्राइस टैग में इन्होंने पंच होल कैमरा दिया आप लोगों को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. और आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जो कि 16+5+2 मेगापिक्सल का. 16 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का आपका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और 2 मेगापिक्सल का आपका डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है. इससे आप डेप्थ सेंसर से आप अपनी फोटोज़ को ब्लर कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में आप ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं और मेन सेंसर आपका जो आपने एसएल कैमरा यूज़ करना होता है वो होता है. तो यार अभी ये तो होगी कैमरा की बात, अगर हम लोग आ जाएँ यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस की तरफ तो वहाँ पर आपको हीलियो P22 का चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं. आप मीडियम ग्राफिक्स पर कॉल ऑफ ड्यूटी खेल सकते हैं बगैर लैग के और पबजी आप लो ग्राफिक्स पर बगैर लैग के आप खेल सकते हैं, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा. अगर आप पबजी मीडियम ग्राफिक्स पर खेलेंगे तो आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को यहाँ पर मिलेगा और आप अच्छे तरीके से नहीं खेल पाएंगे, इस वजह से आपको पबजी में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपको लो ग्राफिक्स पर खेलनी पड़ेगी. और ये चिपसेट हीलियो A22 से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है लेकिन उससे थोड़ा बहुत अच्छा है, और क्योंकि इसके अंदर 8 कोर हैं और उसके अंदर 4 कोर हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है इससे, लेकिन इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. इसके बाद यार अगर हम लोग आ जाएं कि यहाँ पर आपको 4GB 64GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा. अब ये आपको हीलियो P22 के साथ बैटरी भी आपको बड़ी देखने को मिल रही है, काफ़ी बड़ी नहीं है लेकिन अच्छी बैटरी है, 4000mAh की बैटरी है जो कि आपका एक दिन का बैकअप आराम से गुजारेगी और आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं. अगर आप सुबह फुल चार्ज करके इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो रात तक आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं. अब यार अगर आप लोगों ने गेमिंग करनी है तो आपको गेमिंग के अंदर आपको 6.55 इंचज का आपको बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 720p pixels के साथ आता है और काफ़ी अच्छी आपको उसके अंदर रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है क्योंकि इस प्राइस टैग में यार सभी कंपनीज 720p pixels के साथ ही दे रहे हैं मोबाइल. और 6.55 इंचज का भी जो इनफिनिक्स और टेक्नो है यार, ये दोनों कंपनीज आपको कम प्राइस टैग में बड़े डिस्प्ले दे रही हैं. जैसे इनफिनिक्स हॉट 8 है उसके अंदर आपको 6.6 इंचज का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है. अब ये जो मोबाइल आ रहा है और ये मैं आपको बताता हूँ जल्द ही आने वाला है, अक्टूबर के अंदर अंदर या फिर नवंबर के स्टार्ट में ये वाला मोबाइल देखने को मिल जाएगा. और इसके अंदर 6.55 इंचज का इन्होंने डिस्प्ले लगाया है जो कि काफ़ी अच्छा डिस्प्ले 720p pixels के साथ है और एंड्रॉयड वर्जन पाई के साथ ये वाला मोबाइल आपको देखने को मिलता है. उसके बाद यार अगर हम लोग इसके सेंसर की तरफ आएँ तो वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और फेस आईडी का इन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया कि फेस आईडी होगी कि नहीं, लेकिन पंच होल कैमरा है मुझे उम्मीद है कि फेस आईडी भी रखेंगे, आप फेस आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. फुटबॉल खेले बस आ गया तो यार मेरा दोस्त बुला रहा है, तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.